एक बार मौका आया था तो मेरे को बॉल नहीं दिखी थी। अच्छा, यानी आप आउट हो गए थे क्लीन बोल्ट? जी हाँ। क्लीन बोल्ट होने पे आपको कैसा लगा था? बहुत खुश हुआ क्योंकि भतीजे ने बोल्ट किया। मैं जो वरिष्ठ प्लेयर पहले खेलते थे उसमें एक खिलाड़ी था बहुत अच्छा, पप्पू नाम था उसका। अरशद ने जब फ्रेंडली मैच में उसको जीरो में आउट किया और उसके बाद जो अच्छे बॉलर थे उनको उसने सिक्स मारे थे, ये कारनामा उसने 7 साल की उम्र में किया था। और फौरी उसने जब मुझसे बल्ले की डिमांड किया तो मैंने छील छाल के और बढ़ई वाड़े के माध्यम से उसको एक लकड़ी का बल्ला यहीं बना कर दिया। हाँ, ये मेरी तमन्ना है, मैं उसको नीले कैप में देखना चाहता हूँ। मेन होता है कि अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करना और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मैं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। क्रिकेट, आज के वक्त में क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जिसने सभी खेलों को पीछे छोड़ दिया, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या कबड्डी हो। क्रिकेट का जुनून जो है इस वक्त नौजवान कौम में बहुत ज़्यादा है। प्रतिभाएं कहाँ से निकलती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, शहर, गांव, कस्बा, हर जगह से प्रतिभाएं निकलती हैं। अभी मेरे साथ अरशद खान हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम में खेलने जा रहे हैं, जिन्होंने अनेकों ट्रॉफियां पहले प्राप्त की हैं। आज वो मध्य प्रदेश टीम में चयन होकर जा रहे हैं। अरशद खान मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो अरशद से ये जानूंगा कि आपने क्रिकेट की किन पगडंडियों से होते हुए स्टेट हाईवे पर पहुंचा है जहां से नेशनल हाईवे की तरफ रास्ता जाता है। तो अरशद, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और बॉल इंडिया न्यूज़ को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि मैं सबसे पहले 2006 में मैंने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मेरे फादर जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इसके लिए इंस्पायर किया है, और मेरे ब्रदर भी खेलते थे उस वक्त क्रिकेट, उन लोगों को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता था, तो वहाँ से मेरे अंदर एक क्रिकेट खेलने का जुनून पैदा हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि डिस्ट्रिक्स वगैरह भी होते हैं, उनकी ट्रायल्स वगैरह होती हैं, तो वो मैंने दी। और उसके बाद फिर जब ये ट्रायल्स वगैरह में मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस किया। डिस्ट्रिक्स के बाद पता चला कि डिवीज़न भी होता है, फिर डिवीज़न में मैंने परफॉर्म किया, फिर पता चला कि ऊपर भी क्रिकेट होती है, स्टेट लेवल में स्टेट की टीम बनती है, तो उस तरीके से मैं खेलते हो गया और वहाँ पे जाके मैंने परफॉर्म किया। तो ये काफ़ी अच्छी जर्नी है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस जर्नी से। दर्जनों ट्रॉफियां प्राप्त किए हैं आपने। आप एक छोटे से गांव गोपालगंज से, जिसका ज़िला सिवनी से 12 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के, जब आप खेलने जाते हैं प्रदेश स्तर पर या और भी कहीं खेलने जाते हैं, तो आपके गाँव के होने को या छोटे से शहर को के होने को लेकर कोई बातें होती हैं? नहीं, एक काफ़ी अच्छा माहौल है सब जगह ऊपर भी, और काफ़ी पॉजिटिव मिलती हैं सब चीज़ें कि एक छोटी सी जगह से आप, जहां पर आपके लिए क्रिकेट का ग्राउंड भी अवेलेबल नहीं है सिवनी शहर में, और इस जगह से अगर आप निकल रहे हैं तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है सभी का, और काफ़ी अच्छा माहौल बनता है वहाँ पे कि छोटे गाँव या छोटे शहर से बंदा आ रहा है खेलने, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है सभी का। कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप का भी बहुत ज़बरदस्त हाथ होता है। सुना है आपके वालिद मोहतरम अशफाक खान, जो पेशे से एक टीचर हैं, जिन्होंने आपके बचपन से लेकर ग्राउंड पहुंचने और ट्रॉफियां प्राप्त करने तक काफ़ी संघर्ष किया है। ये भी सुना है कि वो लकड़ी का बल्ला छीलकर आपको दिया करते थे, ये क्या सही है? हाँ जी, काफ़ी कुछ किया है मेरे लिए। मेरे फादर ही सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने क्रिकेट के लिए मेरे को, मतलब मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं की है मेरे पीछे। जब मैं खेलने जाता था, कभी रात को 2 बजे जाना होता था, कभी रात को 2 बजे रिसीव करना होता था, तो वो उस वक्त रात में ठंड में पहुँचते थे मेरे को लेने और मुझे छोड़ने भी जाते थे। तो और कैंप वगैरह लगते थे डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उसमें भी मुझे डेली लेकर आना 12 किलोमीटर जाना होता था हमें,
तो काफ़ी सपोर्ट मेरे फादर ने किया है। और अब आप प्रदेश की टीम से खेलने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रदेश की टीम से ये मेरा सीनियर के लिए, मैं अभी स्क्वाड में था पर मैं स्टैंड बाई में था और अभी भी ये स्क्वाड में हूँ मैं। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं अपने प्रदेश के लिए अगर मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ तो। जबलपुर संभाग से कप्तानी भी की है आपने? जी, अभी मैंने लास्ट में ही की थी जबलपुर संभाग की कप्तानी। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि मेन होता है कि अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट करना और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ। आपके वालिद साहब के साथ कहीं ना कहीं और भी लोग होंगे जिन्होंने आपको कोच किया या आपको बढ़ाने में आपका सहयोग किया, क्या उनके बारे में बताएंगे? जी, मेरे वालिद के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट अब्दुल कलाम खान जी ने किया है, जो बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करते रहे हमेशा और हर जगह मुझे लेकर जाना, खिलाना, अगर मैं घर में मना भी कर दूं तो घर से आकर उठा कर ले जाना खेलने, ये वो करते रहते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और आगे भी मुझे बहुत से कोचेस के साथ मैंने अनुभव लिया है, उनसे सीखा है मैंने। अमय सर हैं अभी फ़िलहाल में, हमारे चंद्रकांत पंडित सर हैं, तो सभी से मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखते रहूँ। धन्यवाद। अरशद जो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने जा रहे हैं, जैसे कि अभी अरशद ने बताया था कि उनके वालिद मोहतरम जो हैं अशफाक साहब ने उनको निखारने में, सवारने में, उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं। अभी अरशद ने हमारे साथ इस वक्त अशफाक खान मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा कि अभी अरशद ने हमसे बताया कि आपने उसे खिलाने में, सवारने में बहुत मेहनत की, जिसमें मौके में ऐसा भी आया कि जिसमें आपने लकड़ी का बल्ला भी उसको बना के दिए, क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। वास्तव में उसके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा थी। हमारे यहाँ गांव में एमसी क्रिकेट क्लब है, मुश्ताक खान क्रिकेट क्लब, इसमें जो वरिष्ठ प्लेयर पहले खेलते थे उसमें एक खिलाड़ी था बहुत अच्छा, पप्पू नाम था उसका। अरशद ने जब फ्रेंडली मैच में उसको ज़ीरो में आउट किया और उसके बाद जो अच्छे बॉलर थे उनको उसने सिक्स मारे थे, ये कारनामा उसने 7 साल की उम्र में किया था। तब से ही मुझे लगा कि इस लड़के के अंदर कुछ नैसर्गिक प्रतिभा है और फौरी उसने जब मुझसे बल्ले की डिमांड किया तो मैंने छील छाल के और बढ़ई वड़ाई के माध्यम से उसको एक लकड़ी का बल्ला यहीं बना कर दिया। और जब उसका खेल निखरता गया तो फिर मैंने उसको नागपुर जाकर बाकायदा पूरा एसजी का किट उसको दिलवाया। जैसा कि आपने इस मुकाम तक उसे पहुंचा दिया, आज वो मध्य प्रदेश की टीम में खेलने जा रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस क्षण का हमें कई बरसों से इंतज़ार था। तो कई बरसों से हमें इस बात का इंतज़ार था कि वो ऊंची क्रिकेट में जाके खेले, हमें बहुत खुशी है। और मुझे ही नहीं, मेरे दोस्त अहबाब और गांव के सारे लोग बेतहाशा खुश हैं। आज वो स्टेट में खेलने जा रहा है, क्या आप ये तमन्ना रखते हैं कि वो नेशनल में भी खेले? हाँ, ये मेरी तमन्ना है, मैं उसको नीले कैप में देखना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ अरशद के चाचा भी हैं जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सिवनी में और नाम से फिरोज पंडित कहलाते हैं। मैं इनसे भी जानूंगा कि अरशद की इस बुलंदी में जो पहुँचे हैं वो उसमें वालिद का हाथ तो है ही, इनके कोचेस का भी हाथ है, आप कैसा महसूस करते हैं? अरशद का मामला ऐसा रहा है, हालांकि बचपन से हम गोपालगंज में देखते रहे लोगों को क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि यहाँ पर जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो कपड़े की गेंद बनाकर खेली जाती थी। हमारे बचपन में हम ये देखा करते थे जो लोग खेला करते थे, हालांकि मैं ज़्यादा क्रिकेट से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत पहले से क्रिकेट होता रहा है। लेकिन जो अरशद ने जो खेल का प्रदर्शन बचपन से दिखाया वो मैंने आज तक वैसा नहीं देखा। जो उसमें
जो खेलने की जो लगन थी और उसके बाद जो उसने उसके खेल में जो धीरे धीरे जो निखार आता गया, यहाँ तक कि हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जब बड़े प्लेयर की बॉल पे जब सिक्स मारे और लोग आंखें फाड़े देखते रह जाएं, वो मंज़र मैंने देखा है। तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है अरशद के अब्बू का उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इसमें कोई शक नहीं। वे खुद भी अरशद को क्रिकेट के बारे में थोड़ा बताते थे और ख़ास तौर पे क्रिकेट की तहजीब के बारे में बताते थे, जो उसके अंदर आज की डेट में आप देखेंगे, अगर आप खेल देखेंगे या जब आप उसको खेलते देखेंगे या उसका वहाँ पर बिहेवियर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उससे शालीन क्रिकेटर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये खेलना उसका गोपालगंज जैसे छोटे से गांव के मैदान से शुरू हुआ। हो सकता है आप भी कभी खेलने उसके साथ गए हों, तो ऐसा कभी मौका आया कि उसने बॉलिंग किया है और आप बैटिंग कर रहे हैं? एक बार मौका आया था तो मेरे को बॉल नहीं दिखी थी। अच्छा, यानी आप आउट हो गए थे। क्लीन बोल्ट? जी हाँ। क्लीन बोल्ट होने पर आपको कैसा लगा था? बहुत खुश हुआ क्योंकि भतीजे ने बोल्ट किया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लीन बोल्ट होने पर भी खुश हुए क्योंकि भतीजे की बॉल थी। अब मैं आगे जाता हूँ। गोपालगंज आपका यहाँ सिवनी से 12 किलोमीटर है जी। सिवनी एक छोटा सा शहर है जबकि गोपालगंज एक छोटा सा गांव है। एक गांव से प्रतिभा जो जब शहर की ओर और बड़े शहर की ओर और प्रदेश की ओर और नेशनल की ओर जाती हैं, तो क्या आप अरशद को भी उस जगह जाते हुए देख रहे हैं? उसका खेल बता रहा है कि अरशद बहुत आगे जाएगा। मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़।